down. Enemy down. तो हे गाइस यार, कैसे हो यार आप सब? आप सबका स्वागत है एक और गेम वीडियो में। और गाइस इस मैच में हम खेल रहे थे डुओ वर्सेस स्क्वाड, और इस मैच में हम जा रहे थे ओल्ड बेसन, और यहाँ पे जो है ना एक स्क्वाड आ जाती है। और यहाँ पे दीपक को मैं इसलिए खिला रहा था कि मुझे जो एक कवर फायर दे, क्योंकि सोलो स्क्वाड में जो बंदे अगर एस टूल के लेके आते हैं तो थोड़ा सा हार्ड होता है गाइस। लेकिन इस वजह से मैंने जो दीपक को खिलाया था अपने साथ, लेकिन ये जो है ना उतरते साथ ही जो नॉक हो जाता है गाइस। तो इन सारे बंदे को जो है मुझे निपटना था। तो बस देखो यार, पहले तो मुझे जो है एक ऐटो गन की तलाश थी जो कि मुझे आके जाके मिल जाती, जो कि MP4 की पाई होती है, तो उसी से जो एक काम चलाना पड़ेगा। तो बस देखो यार, तो देखो यार गाइस, जिस बंदे को मैंने जो डैमेज दिया था हल्का सा, लेकिन वो बंदे सारे मिलके जो दीपक के ऊपर रश कर देते और उसे नॉक कर देते हैं। लेकिन गाइस देखना यार, तुम्हारा भाई कैसे निपटा था उन बंदों को, और अपने टीममेट को भी कैसे बचा था गाइस, बस देखना। लेकिन पहले तो आपके दीपक ने बंदे को नॉक किया था, इससे मैं डायरेक्ट फिनिश कर देता पूरा। और वो बंदे जो देखना, इस बंदे को जैसे फिनिश किया हमारे ऊपर रश कर देते, और यहाँ पे देख सकते हो आप दीपक को जो यहाँ पे नॉक कर देंगे। जैसे एक बंदे को नॉक किया तभी मेरे ऊपर कोई बंदा फायर करता है, और सामने जाता हूँ तो सामने को एक और बंदा आता है। और गाइस यहाँ पे मैं लिटरली बचा बता रहा हूँ यार, यहाँ पे मेरे बचने के चांसेस जो है ना काफ़ी मतलब 0% थे, क्योंकि उस पीछे वाले बंदे ने जो मेरी काफ़ी HP खा चुकी थी। तभी आगे की ओर आता तो एक बंदा जो सरप्राइज देता है, लेकिन इस बंदे को भी जो मैं ईजिली जो निपटा देता हूँ। लेकिन तभी बंदा रश करता है, तो देखो बस। तो देखो यार गाइस, यहाँ पे जंप एंड शूट करके इस बंदे को जो है मैं काफ़ी इजीली जो है नॉक कर देता हूँ। और इसकी जो है एमो आप लोगों ने देखी होगी, जब मैंने जंप किया तो इसकी एमो जो है सारी वेस्ट हो गई। तो इससे जो है मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला, और इस बंदे को मारने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। तो गाइस इस सीन के लिए गाइस एक लाइक बनता है, और जो भी चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि अपने भाई का चैनल है। मुझे पता है आप में से बहुत से बंदे जो है मेरे गेम प्ले पसंद आते हैं, आप लोगों को 1v4 क्लचेस पसंद आते हैं, फिर भी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि हम छोटे यूट्यूबर है भैया, बस इसीलिए। तो देखो यार गाइस, ओल्ड वेसन में जितने बंदे आए थे उन्हें निपटाने के बाद हम जा ही रहे थे कि तभी फिर से ओल्ड वेसन में एक स्क्वाड आ जाती है, और आप लोगों को सामने की ओर दिख चुकी होगी। तो बस देखना उन्हें कैसे निपटा दे गाइस। तो यहाँ पे जैसे एक बंदे को नॉक करता हूँ तो एक बंदा जो है मुझे काफ़ी डैमेज दे देता है। इस वजह से मैं जो पहले कवर में आता हूँ, और ये बंदा देखना सड़क से आ रहा था, लेकिन मैं जो है उसे सड़क में जो है नॉक कर देता हूँ, और इसे जो है मैं देखना पूरा फिनिश कर दूंगा। क्योंकि यार अगर ये रिवाइव हो जाएगा तो जो है हमें मारने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है गाइस, तो इस वजह से इसे मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो कि हमारे पास हीलिंग की भी कितनी कमी है, तो हम जो है क्लोजिंग भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी देखना यार उन बंदों को कैसे निपटते गाइस हम। और ऊपर से देख सकते हो मेरे M4 में जो एक भी गोली नहीं है, तो लॉन्ग रेंज पर मारने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन तुम्हारी भाई की सेंसिटिविटी इतनी हार्ड है गाइस कि तुम्हारा भाई थॉम्स से बंदे को देखना कैसे मारता है गाइस यहाँ पे। अगर आप लोगों को सीन पसंद आएगा तो मेक श्योर जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, पहले आप लोग देख लो यार। और गाइस यहाँ पे देख रहा हूँ उस बंदे को जो है हल्का सा सर दिख रहा था, लेकिन तुम्हारा भाई फिर भी जो थॉम्सन के स्प्रे से जो उस बंदे को जो फिनिश कर देता है गाइस। तो इस सीन के लिए एक लाइक बनता है यार, तो लाइक जरूर कर देना। तो बस देखो यहाँ पे इतने बंदे, तो इन्हें निपटाने के बाद हम सीधा निकल जाते हैं आगे की ओर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लूट की भी कमी आ चुकी थी। तो पहले यहाँ से जो हम इन बंदों की जो सारे क्रेट लूट लेते हैं और आगे की ओर चलते हैं गाइस। तो देखो यार गाइस, वहाँ से हम जली हुई गाड़ी लेके यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे होते हैं कुछ बंदे, तो उन बंदों को देखना यार तुम्हारा भाई कैसे निपटाता है। और देखो यार गाइस, कमेंट में बता देना इस बंदे के लिए किस किस को बुरा लगा यार। ये बंदा मतलब हवा में जंप किया, हवा में नॉक हुआ और सीधा पानी में जाके गिरा, और जो सीधा फिनिश हो गया। तो इसके लिए
किस किस को बुरा लगा और किस किस को हंसी आई कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। तो बस देखो आगे की ओर कुछ बंदे होते हैं तो हम जिस सीधा निकल जाते हैं आगे को और उन बंदों पे रश करने गाइस। तो बस देखो यार तो देखो यार गाइस उस साइड जो बंदों की फाइट चल रही थी तो मैं सोच रहा था कि सीधा उनके ऊपर रश किया जाए, लेकिन लेकिन दीपक कहता है कि नहीं यार हम यहीं पे होल्ड करते हैं क्योंकि जोन जो है हमारे ऊपर ही है। लेकिन आप लोग पता है यार तुम्हारे भाई को कितनी रश करने की आदत है, लेकिन यहाँ पे मैं उसका कहना मान लेता हूँ क्योंकि जोन जो उनकी साइड बिल्कुल भी नहीं था, जोन जो सारा का सारा हमारे ऊपर था। तो ये यहाँ पे होल्ड करना मैं जो सेफ समझता हूँ और फैसला भी देखना कितना बढ़िया साबित होता है हमारे लिए गाइस। तो बस देखो यार और यहाँ पर गाइज उन बंदों के पास जो गाड़ी भी नहीं थी तो उन बंदों को जो पैदल ही आना था। तो बस देखो यार उन बंदों को कैसे मारते हम। और यहाँ पे लास्ट जोन की फाइट भी देखना आप लोग क्योंकि एक बंदे को जो है हम फिनिश कर देते लेकिन दो बंदे बचते, उन बंदों को मारने में देखना कितना मज़ा आता है गाइज। और गाइज यहाँ पे जो है ना वो दो बंदे जो है पहले रुक जाते हैं वहाँ पे घर पे, लेकिन फिर जोन आने के बाद जो है बंदे निकलने की सोचते हैं लेकिन तुम्हारे भाई के स्प्रे से आज तक कोई बचा जो है बंदे बचे गए। और बस देखना उन बंदों की गाड़ी कैसे फोड़ता हूँ मैं यार। उस सीन के लिए एक लाइक कर देना गाइज ज़रूर यार। बस देखते रहना आप लोग। Down. Enemy down. तो देखो यार गाइस ये बंदा सबसे बड़ी गलती ये कर देता है कि ये बंदा जो है अकेला हमारे ऊपर रश कर देता है क्योंकि आप लोग पता है यार आपका भाई अकेले चार के बराबर है यार। कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर लेकिन चलता है यार इतना। और गाइस यार कमेंट करके ज़रूर बताना जो भी बंदा यहाँ पे देख रहा है कि आप लोगों को अपने भाई के गेम प्ले में कुछ कमी नज़र आती है, अगर आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना यार। मुझे पता है वॉइस की थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आप लोगों क्योंकि मैं जो है बिना ईयरफोन का जो है वॉइस ओवर करता हूँ गाइस, तो वॉइस क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं आ सकती। वो छोड़ के और कोई भी कमी जो है आप लोग बता सकते हो। और ये भी बताना आप लोगों को सोलो स्क्वाड देखना पसंद है या फिर स्क्वाड देखना पसंद है या फिर डुओ वर्सेस स्क्वाड देखना पसंद है ज़रूर बताना। और देख सकते हैं बंदे भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन 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 गाइज इतना आसान नहीं है हमारे नज़रों के सामने से भागना। और गाइज इसी के साथ जो हो जाता है हमारा डिलीशियस चिकन डिनर गाइज। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो ये चिकन डिनर पसंद आया होगा, अगर आया है तो मेक श्योर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी न्यू देख रहा है और वीडियो को लाइक भी कर देना गाइज। मैं बोलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइज़।